तो पूछा गया जी कौन सा सही हमारा सीक्वेंस है ग्लाइकोलिसिस की, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बना हमारा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, उससे फिर ढाप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और हमारा बनेगा आपका ग्लिसरेल्डिहाइड। ये ग्लिसरेल्डिहाइड से 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड और फिर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ये स्टेप ठीक है। बी वाला आपका सीक्वेंस ठीक है, ठीक है जी, बी आंसर हो जाएगा इसका, आंसर बी। फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। द नेट गेन ऑफ एटीपी इन ईएमपी पाथवे, नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन हमारा 8 मॉलिक्यूल्स का हुआ, दो तो आपके बने एटीपी नेट गेन और दो एनएडीएचटी2 भी तो बने, एक एनएडीएच2 बराबर है 3 एटीपी के, तो दो तीन उसको भी आप बदल लीजिए चेक को कैश में, नेट गेन हमारा 8 एटीपी मॉलिक्यूल। विच सबस्ट्रेट इज यूज इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कहीं दिया हुआ है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट सी आंसर हो जाएगा, इन द लास्ट स्टेप फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को बदला गया है पाइरूविक एसिड में। देख रहा हूं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए ग्लाइकोलिसिस के मिल जाए तो वो क्वेश्चन आपको करवा दूं, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, वरना वो ग्लाइकोलिसिस के क्वेश्चन होने चाहिए और कुछ आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, 5-6 क्वेश्चन और हो तो अच्छी बात है। तो बच्चे ग्लाइकोलिसिस के क्वेश्चन फिलहाल इसमें है नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग को क्रेब साइकिल पढ़ाता हूँ और क्रेब साइकिल से पहले ग्लाइकोलिसिस के कुछ 8-10 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ग्लाइकोलिसिस में पूछा यही जाता है कि भाई सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहाँ हो रहा, ठीक है जी, पहला तीसरा स्टेप पूछा जाता है कि कहाँ पे मतलब आपको एटीपी लगानी पड़ रही है, ये पूछा जाता है कहाँ पे एटीपी बन रही है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, जब कन्वर्जन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हो रहा तब बन रही है, तो यही सारी बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आप लोग को आनंद आया होगा, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ और आगे भी इसी तरह के लेक्चर आप लोग को मिलते रहेंगे। कल हम लोग क्लेब साइकिल को डिस्कस करेंगे और क्लेब साइकिल को डिस्कस करने के अलावा ग्लाइकोलिसिस के कुछ लगा लेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।